हेलो दोस्तों, अब्सेक ट्यूशन 2.0 पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का वैसा सवाल जिसमें जो समय होता है पूर्णांक भिन्न में होता हो। देखिए इस प्रकार समय क्या है, 2 पूर्णांक 1/2 है, तो पूर्णांक में भी है और भिन्न में भी है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का वैसा सवाल जिसमें समय पूर्णांक और भिन्न में दोनों में होता है, उसमें मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। अगर हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए हम चलते हैं सवाल की तरफ। तो देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, मूलधन 5000, दर कितना है 10%, समय क्या है 2 पूर्णांक 1/2 है। तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे जिसमें समय पूर्णांक और भिन्न दोनों में होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम ज्ञात करेंगे क्या, मिश्रधन ज्ञात करेंगे, हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए एक सूत्र होता है जो अभी हम आपको लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए सूत्र क्या है, पी है। ठीक है, पी ब्रैकेट 1+R/100 पावर इसका हो जाएगा, रुक जीजिए अच्छा से लिखते हैं, पी 1+R/100 पावर इसका हो जाएगा एन। ठीक है, और होता है ब्रैकेट 1+R×A/B/100, यही सूत्र है, इसी सूत्र से यह सवाल बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है, सूत्र में पी है, आर है, एन है, A/B है। तो पी का तो मान पता है मूलधन कितना है 5000, आर क्या है दर है, तो दर भी पता है 10%। अब एन का A/B का मान नहीं पता है, तो देखिए कैसे मान निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, समय है, समय क्या है 2 पूर्णांक 1/2। तो ये दो लोग रहा है ना, 2 पूर्णांक वाला 2, ये देखिए 2, ये जो 2 है पूर्णांक वाला, ये हो जाएगा एन बराबर। मतलब जो पूर्णांक में होता है, जो पूर्णांक होता है यहाँ पर, वो हो जाता है एन बराबर। ठीक है, अब देखिए अब रहेगा A/B, तो देखिए A/B बराबर हो जाएगा, जो भिन्न है 1/2 वो हो जाएगा, A/B बराबर हो जाएगा 1/2। तो सभी का मान पता चल गया, P का पता था, R का पता था, N का पता चल गया, A/B का पता चल गया। तब हम क्या करेंगे, सभी के मान को इस सूत्र में रख देंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं और हमारा सवाल बन जाएगा। P है तो P कितना है 5000, तो लिखेंगे 5000 ब्रैकेट 1+R कितना है 10%/100। ठीक है, पावर कितना है एन, तो एन क्या है 2 है, तो 2 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट, फिर 1+R कितना है 10, तो 10×A/B कितना है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 बटा में क्या है 100, फिर बटा में है 100, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब कटने लायक है, देखिए 10 में 10 से भाग करेंगे 1, 100 में 10 से भाग करेंगे 10, यहाँ भी कटेगा, 10 में 2 से भाग करेंगे 5, और 5 में 5 से भाग करेंगे 1, और 100 में 5 से भाग करेंगे तो 20। ठीक है, 5000 को जेंग करते हुए लिखेंगे, 5000 को जंग करते हैं, देखिए और नीचे लिखते हैं तरी साफ साफ दिखाई देगा, 5000 1+ यहाँ हो जाएगा 1/10, पावर क्या है 2, ब्रैकेट 1+ यहाँ हो जाएगा 1/20, पावर कुछ नहीं इस पर मतलब। ठीक है, अब देखिए ये भी भिन्न का जोड़ हो गया, ये भी भिन्न का जोड़ हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे 5000, इसको हल करेंगे तो आएगा 11/10, पावर हो जाएगा 2, इसको हल करेंगे तो आएगा 21/20। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे 5000×11/10 को 2 बार गुना करें क्योंकि पावर 2 है, तो 11/10×11/10×21/20, तो क्या 3 जीरो है, तो 3 जीरो से हम इन 3 जीरो को काट देंगे। ठीक है, कट गया तो क्या हो गया, अब हो गया 5×11×11×21 बटा में क्या हो गया, 1×1, 1×2 हो गया। ठीक है, ये हो गया, अब देखिए अब गुना करेंगे ऊपर, तो 11 में 11 से गुना करेंगे 21 में 21, सॉरी 11 में 11 से गुना करेंगे 121 आएगा, 21 में 121, तो 121 में 21 से गुना करेंगे, तो 121×21, तो 1×2, 1 और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1, 4, 5, 2, तो कितना आया 25, 41 आया। अब 25, 41 में 5 से गुना करेंगे, 25, 41×5, तो क्या हो जाएगा 5, 20×2, 7 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना है 12705 आया। तो हम लिखेंगे ऊपर गुना कर, तो कितना आया 12705, तो लिखेंगे 12705 बटा में क्या है 2 है, तो 12705 से भाग देंगे, सॉरी 12705 में 2 से भाग करेंगे, तो 2/12705, तो क्या आ जाएगा 6 बार में 12 खत्म, 7 उतरेगा फिर 3 बार में लगेगा, तो 1, 0 फिर कितना उतरेगा 0, तो 5। ठीक है, क्या हो गया 10 उतरा, खत्म हो गया, फिर 5 उतरा, फिर 2 बार में लगेगा
चार एक, फिर पॉइंट, फिर दस, फिर पाँच, तो कितना आया 63.5 आया, मैंने 6352 आया। ठीक है, पॉइंट में पाँच तो भागा करेंगे तो कितना आया 63.5 आया। तो ये हमारा मिश्रधन हो गया, ये क्या हमारा हो गया, मिश्रधन हो गया। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे, तो क्या करेंगे इसमें से मूलधन को घटा देंगे, तो मूलधन कितना है 5000, तो इसमें से मूलधन को घटा देंगे, तो 63.5 - 5000, तो 6000 में से 5000 चल जाएगा, तो क्या बचेगा 1000, तो यहाँ पर हो जाएगा 13.5, ये हमारा हो गया ब्याज। ठीक है, ये हमारा मिश्रधन हो गया, ये हमारा ब्याज हो गया। मिश्रधन कितना है 6352.5, ब्याज कितना है 1352.5। ठीक है, तो ये सवाल इस तरह हमारा हल हो गया। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, ये सवाल आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।